इंद्र ये लो तुम्हारे लिए. ये क्या? This is complete symphony of Mozart. Wow, सोनिया, पता है मेरा सपना था कि एक दिन पूरा वॉल्यूम खरीदूं, लेकिन रुपए नहीं थे. इंदर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ. Just forget it and relax. देखो, तुम जितने चाहे सपने देख सकते हो, उन्हें पूरा मैं करूंगी. You know something? I'll do anything for you. एक बात कहूं सोनिया? तुम मुझे लेकर बहुत ambitious हो. एक न्यू कमर पे इतनी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है. I'm leaving. सोनिया, तुम नाराज हो गए. प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था. इंदर, देखो, अगर तुम इस तरह रोकोगे तो हम रुक जाएंगे. देखो, तुम मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए सिर्फ एक सिंगर नहीं हो, बल्कि तुम उन थोड़े लोगों में से हो जिन्हें मैंने पसंद किया है. इंदर भैया, आओ रिमझिम आओ. हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं. तुम सोनिया के सामने कह सकती हो. हम अकेले में बात करना चाहते हैं भैया. जब इंदर कह रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? पहली बात, हम आपसे बात नहीं कर रहे. दूसरी बात, ये हमारे घर का मामला है. आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा रहेगा. सोनिया, आई विल कॉल यू बैक लेटर. भैया, हम आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं. क्या आप वही इंदर हैं जिसने जिंदगी की लड़ाई हार कर भी गलत रास्ते का साथ नहीं दिया? क्या वो इंदर बदल चुका है? कुछ नहीं बदला है हरिमचंद, कुछ नहीं. तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बदल चुके हैं भैया? आपको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि जयंती दीदी को आपकी बहुत जरूरत है, बहुत परेशान है, बहुत अकेली पड़ गई है वो. भैया, आपका फर्ज बनता है. सिर्फ मेरा फर्ज बनता है, जयंती का नहीं. जब मैं जयंती से मिलने उसके पास गया तो उसके चेहरे पे मेरे लिए प्यार नहीं, नफरत थी. आज जिस मोड़ पे मेरा करियर है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उस घर में जाऊं जहां पे मेरा अपमान हुआ? नहीं रिमझिम. इंदर भैया, जयंती दीदी के दिल की नफरत को प्यार में सिर्फ आप बदल सकते हैं. हम आपसे और कुछ तो नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपनी और दीदी के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके रिश्ते की बुनियाद में किसी का तब जुड़ा है. किसी ने अपने गोद का बच्चा उठाकर जयंती दीदी को दे दिया. आप यशोदा भाभी की उनके तब को व्यर्थ नहीं जाने देंगे. सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं आपसे. चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा. तूफान की तरह आते हो. वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं. ये क्या है? खुद ही देख लो.
my God, it's wonderful. It's so pretty. Thank you so much. पूछोगी नहीं कि मैं आज इतना खुश क्यों? क्यों? हमारी सारी कंपनीज और हमारा घर सब कुछ अब मेरे नाम पर है. शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक हूं मैं. Oh my God, ये तो सचमुच कमाल की खबर है. क्या बात है कल्याण, तुम टेंस्ड क्यों हो गई? राकेश, अब जब सब कुछ तुम्हारा हो ही चुका है तो फिर हमारे बारे में क्या सोचा है तुमने? कल्याणी, बस ओम को एक बार हासिल कर लूं, उसके बाद हमारे बारे में भी कुछ तय करेंगे. अभी तक तुमने कुछ तय नहीं किया. मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती राकेश, वरना मैं पुणे चली जाऊंगी. कल्याणी, डोंट गेट वरीड, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा. आई एम रियली वेरी सॉरी राकेश. क्या करूं, बहुत इनसिक्योर महसूस करती हूँ अपने आप को, और एक ही सहारा है मेरा, वो हो तुम. कभी कभी आई लूज माई पेशेंस. I'm really very sorry. It's okay. I understand. हेलो जी चाचा जी. अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ. हाँ रुकिए, उसको कल्याणी मुझे जाना पड़ेगा. It's not fair. तुम आने से पहले ही जाने की बात करने लगते हो. मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें. देखो मैं फिर जल्दी आऊंगा, इस वक्त मुझे जाना तो बहुत जरूरी काम है. ओके बाय. मुझे नहीं पहचाना कल्याणी. अभी अभी तुम जिनसे ये प्यार भरी बातें कर रही थी ना, मैं उनकी पत्नी. ओह, तो यहां क्या लेने आई? देखने आई थी कि वो औरतें कैसी होती है जो दूसरों के पति को अपने जाल में फांस कर रखती है. ये हुनर तुमने कहां से सिखाए कल्याणी? अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से? Shut up. क्या बक रही हो तुम? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है कल्याणी. अगर इतनी ही चिंता थी तो अपने पति को क्यों नहीं संभालती? क्यों नहीं कहती उनसे कुछ? अपने पति से मुझे जो कहना था ना कल्याणी, वो तो मैं कह चुकी. लेकिन क्या एक औरत के रूप में तुम अपने आप से नजरें मिला सकती हो? किस रूप की बात कर रही हो तुम? यही वो मर्द है जो हम जैसी औरतों का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें ऐसा करने पर मौका कौन देता है कल्याणी? कौन देता है मौका? एक औरत में अगर आत्मसम्मान की भावना हो ना, तो कोई भी मर्द किसी भी औरत का फायदा नहीं उठा सकता. एक पत्नी और एक रखेल दोनों औरतें होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ उनकी आत्मसम्मान का होता है. और यही फर्क है तुम में और मुझ. तिवारी जी,
तिवारी जी। कोई नहीं है यहाँ पर, किसको बुला रही है? मेरी गाड़ी कहाँ है? मात्रे साहब ले गए, और वैसे भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस पर ही हो रहा है। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें इस बात को सुनकर शायद झटका लगे, लेकिन हम यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड कैदी बनाकर लाए गए हैं। क्या बकवास कर रही हो? ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ मुझे कौन कैद कर सकता है? मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ पर हम सोफिस्टिकेटेड कैदी बनाकर लाए गए। हमारे हाथों और पैरों में जो बेड़ियां हैं वो नजर नहीं आ रही है। ऐसा कौन करेगा और क्यों? सवाल तुमने बहुत अच्छा पूछा है, और उसका जवाब ये है कि नॉमिनेशन तक तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती कि तुम रिमझिम या उसके परिवार के साथ कुछ भी संबंध रखो। और इसके अलावा उन्हें डर ये है कि अगर तुम प्रतीक के पास वापस चली गई तब क्या होगा? ये कभी नहीं हो सकता। मामा को इतना तो भरोसा होना चाहिए मुझ पर राजेश्वरी। ये तुम्हें लगता है काबिली, तुम्हारे और प्रतीक के बीच में जानबूझकर एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई, और तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा डर ये है कि उनके पीछे मैं तुम्हें सारी सच्चाई न बताऊं। सच्चाई? क्या है सच्चाई राजेश्वरी? जो कुछ भी मैंने देखा या जो कुछ भी प्रतीक ने मेरे साथ किया, क्या वो सब कुछ गलत हो सकता है? अगर सच होता और सब कुछ ठीक होता तो तुम्हारी माँ हमें इस तरह से यहाँ पर क्यों लेकर आती? Why are we underground? Tell me. And have you noticed something? इस घर में फोन नहीं, गाड़ी नहीं, चारों तरफ इतने सारे गार्ड्स हैं। हम यहाँ से निकल नहीं सकते, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। What does this mean? Huh? Is it normal? अगर ये सही है तो चलो, मैं भी देखती हूँ कि हमें यहाँ से जाने से कौन रोक सकता है। चलो रुको, कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने पहले ट्राई नहीं किया? You know how many guards are here? हम कुछ भी करें हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हेलो, हाँ एक मिनट, कल्याणी का फोन है। कौन कौन कल्याणी? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लीजिए। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। सच राकेश? क्या सचमुच मेरी बातें आपकी समझ के बाहर हैं? तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते? मैं कोई बच्चा नहीं हूं यशोदा, क्यों आंखें चुराऊंगा मैं तुमसे? हाँ, कोई गुनाह किया मैंने? कोई पाप किया है मैंने? गुनाह किया है तुम लोगों ने, मेरे परिवार ने धोखा दिया है मुझे। और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए राकेश, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। तुम मुझसे किस हक से बहस करोगी? हाँ, क्या हक है तुम्हारा? मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, और बहस करने की बात करती हो किस हक से? हक राकेश, हक तो मेरा बनता है, उस कल्याणी से ज्यादा हक मेरा बनता है राकेश। अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ मैंने सात फेरे लिए हैं, आपके नाम का सिंदूर भरती हूँ मैं। आप हक की बात करते हैं, इस हक से मैं आपसे बहस करती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी राकेश। राकेश, सवाल मेरे हक का नहीं है, सवाल उस हक का है जो आप अपने भाइयों से छीन रहे हैं। आपने कंपनी पूरी तरह से अपने नाम पर कर ली है, क्या यह सच नहीं है? क्या आपको नहीं लगता आप अपने भाइयों के साथ धोखा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूं धोखा, कर रहा हूं ज्यादती मैं उनके साथ, और क्यों ना करूं। इस कंपनी का एक एक रुपया मेरा कमाया हुआ है, मेरा। ये जो घर है ना, ये भी मेरे कमाए हुए रुपयों से चलता है, समझी? ये हक मेरा बनता है, सिर्फ मेरा। और आज के बाद इस मामले में मुझसे कोई बहस नहीं करेगा, बस। हाँ, समझ गई राकेश, समझ गई मैं आपकी बात। लेकिन आज आप भी मेरी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके इस फैसले में आपकी पत्नी आपके साथ नहीं। और एक बात, इस मामले को लेकर अगर मुझे अपने पति में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े ना, तो मैं अपने परिवार को चुनूंगी राकेश। मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं सिर्फ अपने देवरों का साथ दूंगी। सुना आपने? सिर्फ
अपने देवरों का साथ। रोकेश, सो कल्याणी, जैसा कि हमने तुमसे वादा किया था, वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तुम्हारा 50 लाख का चेक। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू कैसा भाई, तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके एवज में तो ये कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। हमारा एक अंतिम काम करके। कहिए। वैसे तो कल कावेरी का नॉमिनेशन हो जाने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अंतिम बार तुम्हें सुख शांति सदन जाना होगा। सुख शांति सदन क्यों? क्यों? तुम राकेश से प्यार नहीं करती? समझ गई कल्याणी, आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई। आप चाहती हैं कि मैं जाने से पहले एक अंतिम झटका दूं। अब देखिए ना मैडम, कल्याणी आई तो थी राकेश को अपने प्यार के जाल में फंस कर रुपया कमाने, लेकिन वो रुपया आपने कल्याणी को दिया। वो इसलिए कि हमारा बेचारा दामाद अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए तुमसे प्यार का नाटक करने लगा, और उस नाटक का सबसे ज्यादा फायदा हमें मिला। लेकिन एक बात बता दूं, इस नाटक को दोबारा इस्तेमाल करने की गलती कभी मत करना। कैसी बात कर रही है मैडम, कल्याणी कभी आपसे बेईमानी नहीं कर सकती। गुड, वरना जब। थैंक यू मैडम। दे छोरी, झूठा प्यार का नाटक जताने की जरूरत ना आई। चाची, दीदी सो रही है, धीरे बात कीजिए। अरे जाओ जाओ, हमका सिखावे की कौनो जरूर ना आई। देखा भौजी, पहले तो खुद ही आग लगावत है और उस आग को बुझाने के वास्ते खुद ही पानी छिड़कने का नाटक भी करत है। चाची, जयंती दीदी की तबीयत खराब है, अब तो चुप हो जाइए। ए लड़की, तू जो जयंती दीदी बोलने का नाटक करती है ना, वो सब मैं समझती हूँ। मेरी बेटी की कमजोर मानसिक हालत का तो फायदा मत उठा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे कोई काम नहीं है घर में? जा, निकल जा मेरी नजर से।